अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी कुकिंग फॉर द बिगिनर्स में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आज मैं आपको सेम आलू टमाटर सोया बनाने की बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी। ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। देखिए मुझे फ्रेश मेरे भाई ने लाके दी है, फ्रेश सेम। तो हमारे घर के पास जो इंडियन स्टोर्स हैं, जो अपने हमारे देसी स्टोर्स होते हैं, उसमें मिल गई थी तो उन्होंने ला के दी। अल्लाह उनको खुश रखे। तो जो है देखिए मैंने जल्दी से बना ली, और जो है फ्रेश चीज़ जो होती है ना, जल्दी जल्दी बना लेना चाहिए इसको, फ्रिज में रख के पुराना नहीं करना चाहिए। देखिए अभी ये एक दो रह गई है तो इसको मैं काट दूँगी। इसको उसको इसका सन निकालना होता है ना, जैसे मैंने इसका सन निकाला। देखिए हर इसको बीच में ना इस तरह का सन होता है, तो ये निकाल देते हैं, नहीं तो फिर वो आपके मुँह में आती है। और फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और इसमें मैं मटर भी डालूंगी, क्योंकि मटर डालने से, क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे हैं, अगर बड़े बीज होते हैं तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मटर से फिर थोड़ी सी जैसे एक अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए सन है ना, इसको मैं निकाल दूंगी। और मैंने आलू काटे हैं, ये तकरीबन 2 पौड़ मेरे पास मटर ये है, सेम है। 2 बड़े टमाटर मैंने काट के रखे हैं, और 4-5 आलू है ना मीडियम साइज़ के, इनको काट के पानी में डाल दिया। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। और इसके लिए मुझे मसाला चाहिए होगा, एक तकरीबन 1-1.5 प्याज मैंने पीस के रखी है ना, तो मैं ज़ीरा डालूंगी उसके अंदर, वो प्याज पीसी भी डाल दूंगी। अगर प्याज पीसी नहीं है तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और चूँकि मैंने ये प्याज पहले से पीसी हुई थी तो मैंने उसमें टमाटर ऐड नहीं किया, नहीं तो अभी मैं अगर प्याज पीसती तो फ़ौरन ये टमाटर उसमें ऐड कर देती तो मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता। तो फिर बिस्मिल्लाह करके हम शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह करके हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि हर जगह पहुंच जाए। फिर इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ीरा डाल के और फिर प्याज डाल दूँगी, और फिर उसके बाद उसके अंदर मैं जो है मसाला डाल दूँगी। तो मैं ज़ीरा डाल के आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये ज़ीरा डाला है, ज़ीरे को अच्छा लेते हैं। देखिए मैंने ज़ीरे में से जब खुशबू आने लगी ऑयल में, तो मैंने ये जो मेरे पास 1 पीसी हुई प्याज थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर अपने हमारे जो मशहूर ज़माना देसी मसाले हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी। बाज़ बहुत सोचते हैं कि अगर ये हल्दी मिर्च और धनिया नहीं होता तो हमारे देसी खाने कैसे बनते, शायद कोई हम कोई और ऑल्टरनेट निकाल लेते। कभी सोचिएगा, और अगर ऑल्टरनेट आपको समझ में आ गया कि क्या निकालते हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि कभी हम उसको भी पका के देखें कि क्या हो, धनिया की जगह धनिया से ग्रेवी बनती है तो उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो लोग कुजीन बनाते हैं, लोग मसाले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए तो मेन प्याज होता है। मैं देखती हूँ कि प्याज कितने फ़ायदे की चीज़ है, अदरक लहसुन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कितने फ़ायदे की चीज़ है, गर्म मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी पाकिस्तान इंडिया, तो गरम मसाले लेके वो जाते थे यहाँ से, और यहाँ आके बारूद देते थे और गरम मसाले लेके जाते थे। तो अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो ज़रूर पढ़िए, और देखेंगे ना कि दुनिया में क्या हुआ है, किस तरह हुआ है इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह ये हमारे देखिए भूनने वाला होगा, तो फिर हम इसमें सेम आलू डाल देंगे, और थोड़ा सा आलू गल जाएगा, बल्कि मैं पहले आलू डालती हूँ ताकि थोड़ा सा आलू गल जाए, फिर मैं सेम डालूँगी, सेम जल्दी गल जाएगी, और फिर मैं उसके अंदर मटर डाल दूँगी। तो जो है मैं इसके अंदर अब आलू डाल देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैंने प्याज भूनने के बाद टमाटर और आलू डाल दिए, फिर थोड़े से गल जाएंगे, फिर मैं इसके अंदर सेम डाल दूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि आलू और टमाटर थोड़े गल जाएँ, और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये हमारा आलू गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने सेम बना के रखे हैं ये सेम डाल दूँगी। आपने देखा होगा कि मैंने जो है पैन बदल दिया, पहले जो पैन रखा था वो मुझे छोटा लगा, तो फिर मैंने पैन बदल दिया, क्योंकि बेहतर है कि बड़ा हो बनस्बत इस पर कि छोटा हो, बाद में फिर खाना गिर रहा होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस हम इसको चला देंगे और जो है इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा ये और गल जाएगा तो फिर इसमें टमाटर और सोया ऐड करके इसको उतार लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारी सेम भी थोड़ी गल गई है, आलू भी थोड़े गल गए हैं अच्छे से। जब हम इस पर मटर डाल देंगे और फिर 1-2 मिनट के बाद सोया डाल के इसको ख़त्म कर देंगे ना, यानी कि बना लेंगे ना। तो मटर डाल के इसको मिक्स करते हैं,
और नमक चेक कर लेगा, मैंने नमक चेक कर लिया है। नमक मटर डालने के बाद दोबारा आप चेक कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं। और इसमें एक जो मैं हरी बड़ी बड़ी मिर्चें काट के डाल दूँगी और मैं सोया डाल देती हूँ, और फिर ये हमारा मज़ेदार सेम मटर सोया आलू तैयार हो जाएगा। अच्छा तो देखिए हमारी मज़ेदार सेम आलू तैयार है, इसके बाद मैंने सोया और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अच्छा वैसे मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला है, हाफ लेमन का, और अगर चाहें तो अगर इसमें देखें तो 1 टीस्पून के करीब है। तो उससे क्या होगा, ये जो मुझे थोड़ा सा खट्टा खट्टा ये अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर आपको नहीं डालना टमाटर इनफ है ना तो आप सही है। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। और एक और आपकी अच्छी बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि रमज़ान आने वाले कोशिश कीजिए कि पहले से रमज़ान का माहौल बनाएं, और अपने बच्चों को बताइए कि रमज़ान इतना अच्छा महीना आने वाला है, खुद रमज़ान के बारे में पढ़ें कि हम रमज़ान अपना कैसे बेहतर बना सकते हैं, अल्लाह ताला को रमज़ान में क्या पसंद है, रमज़ान के महीने की अहमियत क्या है, एक माहौल बनाएं, अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करें। सिर्फ ये ना हो ना कि अफ़तानी में क्या बनेगा, सिंधी में क्या बनेगा, थोड़ा उसके साथ हम अपनी रूह की ग़िज़ा का भी इत्मीनान करें, और थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आपके मोहल्ले में कहीं जो लोग कुरान के साथ जुड़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ ज्वाइन कर लें। अगर मोहल्ले में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर लें, और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो ख़ुद से जो है तफ़सीर उठा के, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में हज़रत जिब्रील के साथ पूरा एक कुरान ख़त्म करते थे, और जब उनका इंतकाल होने वाला था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने उस साल 2 बार हज़रत जिब्रील के साथ पूरे कुरान का दौर किया था। तो ये सुन्नत भी है, और ये इट्स ए गुड थिंग कि हम जो है अपना जो कुरान हमारे लिए आया है, इतनी बेहतरीन किताब है, उसको हम पढ़ें। तो बस अब मैं चूल्हा इसको बिल्कुल आस्ता कर देती हूँ ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, और ज़रूर बनाएगा इंशाल्लाह, फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।